नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर सचिन तोमार और आज फिर मैं एक नया टॉपिक के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये मेनली है नाखून के लिए, नेल्स के ऊपर, क्योंकि शरीर को यदि सुंदर दिखने के लिए नाखून का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके या हमारे नाखून टेढ़े मेढ़े हैं या टूटे हुए हैं या इनके अंदर पस बना हुआ है या इनके अंदर चमक नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारी सुंदरता में फीकी पड़ जाती है। और स्पेशल लेडीज़ वो जो नाखून पॉलिश लगाती है, हर स्त्री लगाती है, लेकिन यदि उसके नाखून अच्छे नहीं है, नाखून सुंदर नहीं हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस में चली जाती है। ये मैं अपनी केस टेकिंग लेता हूँ, बहुत बार मैं जब नाखून उनके देखता हूँ तो वो अपने नाखून ऐसे रखती है क्योंकि वो इतनी शर्माती है, इतनी स्ट्रेस रहती है, कहीं मेरे नाखून ना देख ले और मुझे अच्छा फीलिंग ना हो। बहुत बार देखा कि वो इतनी स्ट्रेस में चली जाती है कि वो इतनी परेशान हो जाती है, डिप्रेशन में भी चले जाती है। और इसमें होना भी चाहिए, हो सकता है ये आप हो या मैं हूँ, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं किसी के सामने अपने नाखून हमारे फ्रंट में रहते हैं। यदि हमारे नाखून में कोई विकार पैदा हो जाए या ये टूटे फूटे हो या ये भद्दे हो, ये बद शकल के हो, तो हम बात नहीं कर पाते, हम लोगों से दूर भागने लग जाते हैं, अपने हाथ ऐसे रख के गए या कहीं पब्लिक में नहीं जाएंगे। और इसका सबसे बड़ा रोल निकल के आता है हमारी बॉडी में पोषक तत्वों की कमी, चाहे इसमें विटामिन ए है, विटामिन बी है, कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की कमी कारण नाखूनों में विकार होता है। यदि उन बच्चों को अभी से ही हम बच्चों को अपने बच्चों को पौष्टिक आहार दें तो इन फ्यूचर में उनके नाखूनों में कभी कोई गड़बड़ नहीं होगी, ये बात है 100%। या जो भी सर वो है, मेल है, फीमेल है, आदमी या औरत, जो केमिकल का यूज ज़्यादा करता है, यदि आप साबुन का यूज ज़्यादा करते हो या कास्टिक सोडा का यूज ज़्यादा करते हो या ऐसे केमिकल फैक्ट्री में आप काम करते हो 8 से 10 घंटे, तो वहाँ भी नाखून होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं ख़राब होने के। और आजकल तो रबड़ के, प्लास्टिक के दस्ताने आ गए हैं पैर के भी, तो आपको लगता है यदि आपके नाखून में कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है तो आप रबड़ के दस्ताने भी पहन सकते हो, आप इसमें जूतों के नीचे भी पहन सकते हो, आजकल मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। क्योंकि जितने भी केमिकल में आप ज़्यादा यूज करोगे तो जो नाखून है गलने लग जाते हैं, गलने लग जाएंगे, ये टूटने लग जाएंगे, इनके अंदर पस बनना चालू हो जाएगा। तो बात करते हैं, सबसे पहले आप बात करेंगे नाखूनों के बारे में, नाखून के जो सिम्टम्स हैं। आज मैं आपको नाखून के जो सिम्टम्स बताऊंगा, आपको अकॉर्डिंग वो सिम्टम्स देखने और उसके अकॉर्डिंग ही मेडिसिन बताऊंगा। पहले मैं आपको नाखून के सिम्टम्स बताऊंगा क्या गड़बड़ है, उसके अकॉर्डिंग बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। आपको ये होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है और इस मेडिसिन को, जो भी मैं मेडिसिन बताऊंगा, आप उस मेडिसिन को 15 दिन से 1 महीने तक यूज करना है। 15 दिन 1 महीना यूज करने के बाद फिर आपको मुझे बताना है कितना रिजल्ट आया। और मुझे उम्मीद है, 100% विश्वास है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। एक ही मेडिसिन बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, आप एक मेडिसिन 50-100 रुपये की आएगी, आपको यूज करनी है और आप देखना कितना अच्छा रिजल्ट आएगा, एक चमत्कार आपको लगेगा, हाँ वाकई में चमत्कार। और ये होता है, मैं तो डेली देखता हूँ अपनी प्रैक्टिस में, डेली प्रैक्टिस में देख रहा हूँ कि एक ही मेडिसिन को 1 हफ्ता 10 दिन दिए नाखून बिल्कुल ठीक हो गए। तो वही शेयर मैं आपके सामने कर रहा हूँ। सबसे पहले यदि आप अपने नाखून को बिल्कुल स्वस्थ बनाना चाहते हो इन फ्यूचर के लिए, तो आपको कौन सी मेडिसिन यूज करनी है, कैल्केरिया फोस और कैल्केरिया फ्लोर, ये दोनों मेडिसिन आपको 6x में यूज करनी है, कैल्केरिया फ्लोर भी और कैल्केरिया फोस भी, ये आपको 6x में यूज करनी है और इसकी 4-4 गोली दिन में 3 बार यूज करनी है। इसके साथ आप अपने न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ाना है, अपने खाने में विटामिन ए बढ़ाना है, विटामिन बी बढ़ाना है, इसके लिए आप जितने फ्रूट्स है फ्रूट्स का यूज कीजिए, आप इसमें जितने जूस है जैसे नींबू का रस है, संतरे का रस है, या फिर आंवला है, आंवला भी बहुत अच्छा है, आप यदि डेली एक आंवला यूज करोगे खाने में तो आपको जो नाखून की समस्या मैं मानता हूँ बिल्कुल भी नहीं होगी इन फ्यूचर कभी भी, और जो प्रेजेंट में वो भी ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट है, जिन व्यक्ति के जो नाखून है वो बहुत मोटे हो जाते हैं, हार्डनेस हो जाते हैं और बदशकल हो जाते हैं, बहुत भद्दे से लगते हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस आप 30 में भी ले सकते हो, 200 में भी। बहुत बार मेरे पास आता है कि सर 30 में ले, 200 में ले, 30 नहीं मिल रही है, तो आप यदि आपको लगे 30 मिले स्टोर से तो 30 यूज कर लो, यदि 200 मिले तो 200 यूज कर लो। ये है टेढ़े, उसके लिए जो मोटे हो जाते हैं, बदशकल हो जाते हैं, उसके लिए। नेक्स्ट है, जिसके नाखून टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, आपने देखा हो बहुत से लेडी के नाखून टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं या बहुत पुरुष के भी, तो जब टेढ़े मेढ़े नाखून हो जाए और नाखून धस जाते हैं, अंदर धसे रहते हैं,
उसके लिए सबसे बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है थूजा। थूजा आपको 30 में लेनी है और इसकी दो दो बूंद सीधा जीभ पर डालनी है। नेक्स्ट है जिसके नाखून चटक जाते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं, हाथ लगते ही टूट जाते हैं, या उसके नाखून ऐसे रखते हैं बहुत ही वीक होते हैं, कमजोर रहते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है एंटीम क्रूडम। एंटीम क्रूडम आपको 30 में लेनी है या 200 में, जैसे आपको स्टोर में मिले 30 में भी यूज कर सकते हो और 200 में भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है जिसके नाखून के नीचे बार बार पस बनता है या फोड़ा निकलता है, बहुत अंदर ऐसा लगता है पीक जैसा पदार्थ है, पस बन जाता है, और वो किसी भी नाखून में हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन में भी हो सकता है, उसके लिए सबसे बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है मरक्सोल 13, और सेकंड है सल्फर। सल्फर भी आप 30 में यूज कर सकते हो। पहली मेडिसिन है मरक्सोल और सेकंड मेडिसिन है सल्फर। और यदि आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द है, तो आप हीपर सल्फ आपको 1 ml में यूज करनी है, और 1 ml आपको वीकली यूज करनी है, हफ्ते में एक बार ही आपको हीपर सल्फ यूज करनी है। जिसके नाखूनों में पस बन जाता है, पस पड़ जाएगा, या पर फोड़ा बार बार फोड़ा निकलता है, उसके लिए सबसे बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है मरक्सोल और साइलेशिया। मरक्सोल भी आपको 30 में लेनी है और साइलेशिया भी 30 में लेनी है। इनकी दो दो बूंद सीधा जीभ पर डालनी है और दिन में 3 बार। और आपको जो लगे पस ज़्यादा आ गया है और बार बार ज़्यादा बना है, तो आप इसमें हीपर सल्फ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको हीपर सल्फ 1 ml में यूज करनी है और हफ्ते में एक बार यूज करनी है। ये मैं तब बता रहा जिसको पस बन रहा है या बार बार फोड़ा बन रहा है, बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर पस बन गया है, तो हीपर सल्फ 1 ml में यूज करनी हो और वीकली एक बार ही यूज करनी हो। और जिस दिन आप हीपर सल्फ लें उस दिन आपको ना तो मरक्सोल यूज करनी है और ना ही साइलेशिया यूज करनी है। ये मेन मैंने आपको नाखून की बीमारी बताई है और उन्हीं के अकॉर्डिंग जैसे सिम्टम्स है उन्हीं के अकॉर्डिंग मैंने मेडिसिन बताई है। आपको ये देखना है कि आपको नाखून से संबंधित कौन सी बीमारी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन लेनी है। और यदि आपको लगता है कोई बात समझ में नहीं आ रही है, आप मुझसे पर्सनली भी पूछना चाह रहे हो, तो जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इस पर आप मुझे टाइप करो, या आपके जो नाखून है उसका फ़ोटो भेज दो, या आपका कोई क्वेश्चन है वो टाइप करो और मुझे भेज दो, तो मैं जैसे भी मुझे समय मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको मैं मैसेज में आपको मेडिसिन बता दूंगा। जो आप मेडिसिन लोगे उसको आप कम से कम 15 दिन यूज करना, 15 दिन से पहले आपको कोई भी मेडिसिन स्टॉप नहीं करनी है, 15 दिन से 1 महीने तक यूज करनी है, उसके बाद आपको मुझे बताना है। और सबसे अच्छी बात है कि जो मैं आपको मेडिसिन बताता हूँ और जो मैं पहले भी बता रहा हूँ उसके रिजल्ट 100% आ रहे हैं। किसी के भी आज तक मैंने जिसको भी मेडिसिन बताए रिजल्ट नेगेटिव में नहीं गए, सबके पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं, तो आपके भी आएगा। आप विश्वास के साथ दिल से ये मेडिसिन यूज करें, 100% रिजल्ट आएगा। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको कोई दवाई बताऊंगा तो मैं आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं लूंगा, ये मैं सिर्फ अपनी तरफ से कर रहा हूँ। अब मेरा सिर्फ यही इंटेंशन है कि आप स्वस्थ रहें और आपका जो पैसा है वो कहीं बर्बाद ना हो, नहीं आपके शरीर के साथ खिलवाड़ हो। तो सबसे हर बार वीडियो में यही बात मैं कहता हूँ, बार बार आप मुझसे पूछ भी सकते हो, कोई मेडिसिन के बारे में जान भी सकते हो। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा, यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है, मेरे वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन का बटन है वो जरूर दबाएं, जिससे जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना, अपने जो फेसबुक फ्रेंड हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, सबके पास ही शेयर होनी चाहिए, क्योंकि आप देखो नाखून हमारी सुंदरता के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपके नाखून में या हमारे नाखून में कोई भी विकार उत्पन्न होता है तो हम कहीं भी आप पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते, कहीं हम समाज में नहीं जा सकते, तो नाखून हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको शेयर करना। और कोई भी आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं इन फ्यूचर, किसी भी बीमारी के बारे में और किसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी जानना चाहते हैं, यदि आप कोई होम्योपैथिक मेडिसिन खा रहे हो किसी भी, तो उसके बारे भी आप मुझसे एडवाइस ले सकते हो। मैं कभी किसी से कोई पैसा चार्ज नहीं ले रहा हूँ, कभी ना आज तक लिया है ना आगे लूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।